वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। दिस वीडियो इज बीइंग मेड इन अक्टूबर ऑफ 2023। हम यहां पर ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ZV-10 Mark II को लेके, A9 III को लेके, कौन सा कैमरा कब आ सकता है, कौन कौन से सोनी के कैमरे नियर फ्यूचर हमारे सामने आ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक अपकमिंग सोनी कैमराज ऑफ 2023 एंड 2024 को लेकर, आज के अभी के सिनेरियो में जो कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसको लेकर एक वीडियोस बनाई जाए कि अभी के हिसाब से वो कौन कौन से कैमरे हैं जो 2023 के जो भी रेस्ट ऑफ द मंथ्स बच गए हैं उनको इंक्लूड करते हुए 2024 में और कौन कौन से कैमरे हमें दिख सकते। सबसे पहला कैमरा जो अभी लेटेस्ट रूमर्स चल रही है A9 III, ऑफकोर्स हमें दिख सकता है। A9 III के बारे में पहले ऐसी रूमर्स चल रही थी कि हो सकता है इसके अंदर 33 मेगापिक्सल की फुल फ्रेम सीमा सेंसर हमें देखने को मिले, बट राइट नाउ द सीनेरियो हैज बिन बिट चेंज, क्योंकि देखो Z8 की अनाउंसमेंट के बाद ना निकॉन ने इंटायर जो माहौल है उसे उलट पलट कर दिया है। Z8 यानी कि Z9 को ही एक सस्ते दाम पर में उतार दिया है, ऑलमोस्ट विद द सेम 90% कोर स्पेसिफिकेशन दैट वी हैव सीन इन द Z9 कैमरा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि यहां पर हमें क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है A9 III कैमरे अपार्ट फ्रॉम द 45-50 MP सेंसर ऑफ अल्फा A1 कैमरा, या हमारी एक्सपेक्टेशन यही कि अल्फा A1 का सेंसर इसके अंदर रहेगा, साथ ही साथ जो अपनी AI चिप है उसे इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर को लगा जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन यू कैन सी इन द स्क्रीन राइट नाउ। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है राइट नाउ रिलेटेड टू द अपकमिंग सोनी A9 III कैमरा, जो कि ऑफ कोर्स इसके अनाउंसमेंट हमारी उम्मीदें हैं कि अपने 2023 के एंड तक हो जाएगी। सोनी ने ऑलरेडी 3 नए कैमरे को रजिस्टर किया जिसमें से एक कहा जा रहा है कि A9 III कैमरा, बाकी 2 कैमरों की नाम को लेकर अभी कन्फ्यूजन है, कोई कह रहे हैं A7S4 है, कोई कह रहे हैं कुछ है। तो चलो अब हम सॉर्ट आउट करते हैं A7S4 के बारे में बात करते हैं, क्या देर इज अ प्रोबेबिलिटी A7S4 कैमरा आ सकता है क्या, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस सेट ऑफ रूमर्स, जो भी हमारे पास प्रीवियस सेट ऑफ रूमर्स अवेलेबल उनको अगर हम देखते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन शुरू में मिली थी कि भैया A7S4 कैमरा आएगा तो जरूर, बट नॉट इन 2023, इट विल अराइव सम टाइम इन द 2024। हो सकता है मार्केट कंपटीशन के हिसाब से सोनी से थोड़े जल्दी मार्केट में ले आए, बट द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव अर्लियर कि भैया 2024 में आ सकता है। सेंसर रेजोल्यूशन को बात लेकर ये चल रही थी कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 12 MP सेंसर के साथ इसमें AI चिप को इंटीग्रेट किया जाए, उससे इसकी कोर स्पेक्स काफी ऊपर चली जाएगी। एट द सेम टाइम यहां पर एक और बात चल रही है कि हो सकता है एक नया 24 MP का स्टैक्ड सीमॉस सेंसर हम इसके अंदर देखने को मिले, यही नहीं 6K रिकॉर्डिंग अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 4K रिकॉर्डिंग अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ही ज्यादा अप स्केलिंग इस कैमरे के साथ करी जा सकती है। द रूमर्स वी आर गेटिंग राइट, सो रूमर्स आपके सामने हैं। एट द सेम टाइम यहां पर इन रूमर्स के लेकर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाए, क्योंकि देखो एक जो भी फ्लैगशिप कैमरा मेकर अनाउंस करता है जिस भी अपने सीरीज से रिलेट, उस कैमरे की सेवरल प्रोटोटाइप्स को वो टेस्ट करते हैं विद मल्टीपल कोर स्पेसिफिकेशन। तो कौन सा कैमरा फाइनल प्रोडक्शन लाइन के लिए अप्रूव होगा ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। नाउ द थर्ड कैमरा इन आवर लिस्ट जो कि ऑफकोर्स आ सकता है 2024 के बिगनिंग मंथ्स में आ सकता है, वो सोनी का अल्फा A1 Mark II कैमरा। वाई A1 Mark II, देखो कैनन का R5 Mark II या फिर कैनन के R1 को लेकर रूमर्स चल रही कि जो भी अपना ओलंपिक्स आने वाला उसके प्रायर इसकी अनाउंसमेंट होगी अपने कैनन के फ्लैगशिप कैमरे की। इट इज सेट टू बी समटाइम इन फरवरी कैनन अपने फ्लैगशिप कैमरे को अनाउंस करेगा, आइदर R5 Mark II या R1, एक अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी, ये बात तय है। आप अगर कहोगे तो मैं कैनन से भी रिलेटेड अपकमिंग कैमरेज की लिस्ट बना दूंगा, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सोनी। तो यहाँ पर अभी अल्फा A1 Mark II को लेकर बातें चल रही हैं कि भैया कैनन की अनाउंसमेंट को एक तगड़ा कंपटीशन देने के लिए अल्फा A1 Mark II कैमरा आ सकता है। यू नो एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ अल्फा A1 कैमरा सोनी ने इसके अंदर AI चिप को इंटीग्रेट नहीं किया था, ऑल्दो द कैमरा डू हैव बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर, ये कहा जा रहा है कि रेजोल्यूशन को सेम रखते हुए इसके अंदर मेजर अपडेट डाला जा सकता है, दैट इंक्लूड्स द इंटीग्रेशन ऑफ AI चिप, इवन मोर एडवांस फॉर्म ऑफ बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर, जो कहीं ना कहीं स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। सो दिस इज द इनिशियल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनिशियल सेट ऑफ हिंट्स वी हैव रिलेटेड टू द अल्फा A1 Mark II कैमरा। नाउ द फोर्थ कैमरा इन आवर लिस्ट, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है अपने सोनी की, द सोनी A7 सीरीज। सोनी A7 IV कैमरा को आए हुए कुछ एक दिन बीत चुके हैं, A7 IV कैमरे की का एक सस्ता एक अफोर्डेबल वर्जन हमारे A7 Mark II हमारे सामने आ चुका है। नाउ अप्रॉक्सीमेटली A7 Mark II कैमरे की जो पीक सेल्स पीरियड जैसे ही ओवर होती है, यानी कि इन द मिड ऑफ 2024 एट द एंड ऑफ द 2024 सोनी अपना A7 V कैमरा अनाउंस कर देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लियर सी बात है, आपने समझने की जरूरत है कि भैया A7 IV कैमरे की जो पीक सेल्स पीरियड ओवर हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने एक अफोर्डेबल A7 IV कैमरा जो कि A7 Mark II कैमरे के फॉर्म में उतारा मार्केट में। राइट नाउ A7 Mark II कैमरे
क्योंकि अच्छी सेल्स चल रही है, एट द सेम टाइम इसकी पीक सेल्स प्रीस जैसे ही ओवर होती है वी विल हैव आवर ब्रांड न्यू A75 कैमरा। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भैया एक में कहा जा रहा है कि सेंसर रेजोल्यूशन को सेम रखा जाएगा 33 MP, द अदर प्रोटोटाइप इज सेट टू फीचर ए 42 MP सेंसर, द 42 MP सेंसर ऑफ द सोनी A7R सीरीज कैमरा। तो हो सकता है कि एक 42 MP या अपने ओरिजिनल 33 MP सेंसर के साथ ये कैमरा आ जाए। इसके बारे में जैसे ही क्लियर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन सा प्रोटोटाइप फाइनल प्रोडक्शन लाइन के लिए अप्रूव हो रहा है वो हम आपको जरूर बताएंगे। एट द सेम टाइम AI चिप की इंटीग्रेशन तो इसके अंदर तय है, द कैमरा ऑलरेडी है बियॉन्ड XR इमेज प्रोसेसर, तो इमेज प्रोसेसिंग पावर में कोई मेजर अपग्रेड की हम उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं। बट हाँ, इसके अंदर A7R5 की 8 स्टॉप्स ऑफ एडवांस इमेज स्टेबलाइजेशन या AI इमेज स्टेबलाइजेशन को इंटीग्रेट करा जाएगा। और एक बात उभर कर सामने आ रही है कि जिस तरह की प्रॉब्लम इस बारी अनाउंसमेंट के समय अपने यूजर्स को फेस करनी पड़ी थी ओवरहीटिंग को लेके, उसको लेकर सोनी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुका है और आने वाला A75 कैमरा एक प्रॉपर हीट सिंक मैकेनिज्म के साथ आएगा, क्योंकि अपने यूजर्स को जो भी इसे परचेस करें उसे इतनी ज़्यादा ट्रबल या परेशानी झेलनी ना पड़े। सो दीज आर द इनिशियल हिंट्स वी आर गेटिंग रिलेटेड टू द A75 कैमरा। लेट्स होप कि सारी बातें सही हो या इससे भी बेटर कैमरा हमारे सामने आए। सो दीज आर द फुल फ्रेम कैमराज रूमर टू अराइव इन द ईयर ऑफ 2023-2024। एक काफ़ी पॉपुलर कैमरा है जो कि लगभग सोनी के 50% सेल्स को कवर कर रहा है पिछले 2 साल से, और वो है सोनी का ZV-E10। ये कैमरा अपने आप में इतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एट द सेम टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो विद सोनी ZV-E10 कैमरा एंड 16mm f/1.4 लेंस फ्रॉम सिग्मा। ये कॉम्बो काफ़ी लीथल कॉम्बो है। यू कैन सी द बैक ग्राउंड ब्लर, द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द कैमरा, इट्स जस्ट अमेजिंग। इस कैमरे की अपडेट की बातें चल रही है कि भैया 2024 में इसकी अपडेट आ सकती है। एट द सेम टाइम सेंसर रेजोल्यूशन के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। देयर इज सेट टू बी सम सेट ऐसी बातें सेट की भैया कुछ एक प्रोटोटाइप्स के अंदर 26 MP की सेंसर हमें देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम सम ऑफ द प्रोटोटाइप्स कैरी 24 MP सेंसर। सो देयर इज अ कंफ्यूजन राइट नाउ कि ZV-E10 II आता है आइदर 26 MP के सेंसर के साथ आएगा 24 MP की। ये अभी कंफर्म होना थोड़ा सा बहुत ईजी नहीं है। वी विल कन्फर्म यू जैसे इसकी अनाउंसमेंट टाइम आती है 2024 में, इसके 2024 के मिड में ये पॉसिबली आ सकता है। ऑफकोर्स जब अनाउंसमेंट टाइम करीब आती है उस समय इसकी क्लियर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। नाउ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट आर सर्टेन अबाउट द ZV-E10 II कैमरा कि इसके अंदर AI चिप की इंटीग्रेशन होनी है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंट्री लेवल सोनी बॉडीज टू फीचर AI चिप इन साइड। द अदर फीचर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एन एज पर द रूमर्स पिक्सल लेवल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड 10-bit रिकॉर्डिंग फैसिलिटी एंड इंटरनल 10-bit रिकॉर्डिंग। सो ये सारी अपडेट्स के साथ अगर ZV-E10 II आता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने उस प्राइस रेंज पे नहीं आ पाएगा जिस प्राइस रेंज पे अभी ZV-E10 अवेलेबल है। मे बी एट स्लाइटली हायर प्राइस रेंज पे ये प्लेस हो सकता है। लाइक वी हैव द डिफरेंस इन बिटवीन द A7 III एंड द A7 IV कैमरा। अनाउंसमेंट के समय एक अच्छी प्राइस की डिफरेंस हमें देखने को मिली। यूजर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी हुए थे, बट क्या करें, देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा ही कुछ डिफरेंस प्राइस का डिफरेंस हमें ZV-E10 और ZV-E10 II के बीच में देखने को मिले। अनाउंसमेंट की टाइमलाइन जैसे मैंने कहा मिड ऑफ 2024 हो सकता है। ऑल्दो और कई सारे रूमर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, बट ये सारे मेजर कैमरे के नाम हैं जो बार बार उभर कर हमारे सामने आते हैं जो आने वाले 2023 और 2024 में हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कौन सा फेवरेट कैमरा हमारी लिस्ट में आप जरूर बताना। आप कौन सा कैमरा परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो इन अपकमिंग कैमरा में ये भी हमें बताओ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर श्योर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना। नए हो और अभी तक टिके हुए इस वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग।